हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट के डीआई के सेशन में। तो आज हम लोग डीआई का पार्ट थ्री लेके आए हैं। थोड़ा डिले हो गया था कुछ रीजन के वजह से। ये सेशन इसी तरीके से कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। कुछ कुछ थोड़ा सा भी लॉकडाउन है तो थोड़ा थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो बिना देरी के हम लोग सवालों की ओर चलते हैं। आज का सवाल देखो इतना मज़ेदार है और इतना लेंदी है अगर तुम प्रोसेस से जाओगे तो, और चीज़ों को अगर डायरेक्ट समझोगे तो उसको बनाने का एक नया नज़रिया तुम्हें देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये तुम्हारा काम है शेयर करने का। शेयर करोगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारे अंदर भी, मेरे हम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिवेशन है, ये वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, जितना ज्यादा ज्यादा लाइक आ सके, जितना ज्यादा ज्यादा कमेंट आ सके। तो ये काम आपका है फैलाने का, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फैला। और बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल हम लोग का क्या है? सारा सवाल बायलिंगुअल होने वाला है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं, बायलिंगुअल है पूरा। अब चीजें थोड़ी सी जो है तुम्हें एडजस्ट करनी होंगी, जैसे अब ये इंग्लिश है तो हमारा यहाँ पे ये इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये चीजें तुम्हें थोड़ा सा वहाँ पे समझना होगा उन चीजों को। तो बिना देरी के हम लोग सवालों को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शंस को क्लियर कर दूं, इंस्ट्रक्शंस क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए चलेंगे। क्या बोल रहा है हमारा सवाल में, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड। ये जो ग्राफ दे रहा है ये क्या चीज को बता रहा है, क्वालिफाइड को बता रहा है एक इंस्टीट्यूट में इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, विभिन्न सब्जेक्ट्सों में। तो सभी सब्जेक्ट्स के बारे में दिया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, जीके, मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, ये ऑफ है, इफ नहीं, ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इज इक्वल टू 46500। टोटल क्वालिफाइड जो है वो क्या है, 46500 है। तो यहाँ पे देखो 46500 एक टफ डेटा के रूप में तुम्हारे सामने जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। अब सिंपल सा एक चीज समझो, यहाँ पे ये क्या चीज को दे रखा है, यहाँ पे ये क्वालिफाइड को दे रखा है, ठीक है। अगर तुम ग्राफ में देखोगे तो इस ग्राफ में तुम्हें यहाँ पे एक लाइन जो है मिसिंग है, शायद मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ, टेबल ग्राफ जो है ये तुम्हें क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्वालिफाइड में ही, ठीक है। शायद ये कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे एक सेकंड चेंज कर लेता हूँ। क्वालिफाइड में ही, ठीक है, क्वालिफाइड में ही बॉयज का टोटल के साथ रेशियो, ठीक है। जैसे इंग्लिश में अगर 12% क्वालिफाइड हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में 12% क्वालिफाइड हुआ है, तो इस 12% में बॉयज का टोटल के साथ जो रेशियो होगा वो होगा 11:30। अब मुझे अगर गर्ल्स का भी यहाँ से रेशियो जानना हो तो गर्ल्स के लिए क्या करूंगा, मैं 11 में 30 घटा दूंगा, 19 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये 30 जो टोटल है, ये 30 किसके लिए है टोटल, ये टोटल 12 इंग्लिश वालों के लिए टोटल है ना, ठीक है। अब चीजों को इसी तरीके से हम लोग बैलेंस करके यहाँ पे डायरेक्ट सवालों में समझेंगे कि कैसे हम सवालों को आसान कर सकते हैं। जस्ट समझना है कि सवालों को आसान कैसे करना है, बस इतना ही समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सवाल में क्या है, पहला सवाल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है। देखो मैं एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ तुम्हें करने का, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता इस सवाल को करने का, ठीक है। तुम लाख ले लो, सबसे बड़ा चीज तुम्हें एक चीज जानना होगा कि किसी भी डीआई में अगर, या किसी भी पर्टिकुलर सवाल में, सवाल की बात में हर एक सवाल की नहीं बोल सकता हाँ, लेकिन 80% सवाल में, या फिर हमारा डीआई के सेशन में, किसी भी डीआई में, या मुझे परसेंटेज या मुझे रेशियो निकालना होता है, तो मैं अगर चाह लूं कि मैं बिना ओरिजिनल डेटा का निकाल लूं तो मैं वो भी कर सकता, ठीक है। बस ये चाह होनी चाहिए कि हाँ तुम ये चाह सकते हो कि ये बिना ओरिजिनल डेटा का भी निकल सकता है, बस इसी चीज को यहाँ पे समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखो क्या है हमारा सवाल में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का परसेंटेज बताना है, हु क्वालिफाइड इन फिजिक्स, जो कि फिजिक्स में क्वालिफाइड किए, तो फिजिक्स का रेशियो तुम यहाँ पे देखो, बॉयज का टोटल के साथ फिजिक्स का जो रेशियो है वो है 17:25, ठीक है। 17:25 कितना है, 25 है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ो, फिर बोल रहा है किसके साथ हमको परसेंटेज निकालना है, बॉयज के साथ निकालना है, मतलब फिजिक्स का गर्ल्स का, और बॉयज के साथ निकालना है कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश वाले के साथ, कंप्यूटर साइंस के बॉयज और इंग्लिश के बॉयज का मिला के हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले कंप्यूटर साइंस का जो है रेशियो देख लो, रेशियो कितना है, रेशियो है 9:10, और फिर तुम्हारा इंग्लिश में तुम देख लो इंग्लिश का रेशियो कितना है, इंग्लिश का रेशियो है 11:30, ठीक है। अच्छा फिजिक्स में अगर हम बात करें, ये जो ग्राफ टूटेगा ये किस पे टूटेगा, ये टूटेगा 10% पे, ध्यान से समझना। देखो मैं एक लाइन में सवाल को बता दूंगा, सारा चीज तुम्हें याद है, बस काटना छाटना है, ठीक है।
कंप्यूटर साइंस में अगर तुम देखोगे तो कंप्यूटर साइंस में हमारा 20% है तो ये 20% पे टूटेगा, और इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश में ये 12% है तो ये 12% ठीक है। अब एक चीज समझो कि ये टोटल जो है, ये टोटल तो हमारा ये 46500 को ही बता रहा है ना, ये टोटल तो 46500 को ही बता रहा है ना। जब टोटल बराबर है हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट के लिए टोटल एक ही जब जा रहा है, तो जब एक ही जाना है तो सारा टोटल को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करोगे तो 25 में 6 गुना करोगे तो 150 हो जाएगा, 10 में तुम 15 गुना करोगे तो 150 हो जाएगा, और 30 में तुम 5 गुना करोगे तो 150 हो जाएगा। अगर इसमें गुना हुआ है तो इसमें भी गुना होगा। इसका जो डिफरेंस होगा 17 और 25 का डिफरेंस जो कि गर्ल्स को बताएगा, उसमें भी गुना होगा। क्योंकि मुझे इसका बॉयज ही चाहिए तो इसके लिए मैं डिफरेंस नहीं निकालूंगा और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है, बस इतना ही करना है। अब एक चीज समझो, मुझे क्या निकालना है, गर्ल्स का परसेंटेज, ठीक है, क्या निकालना है मुझे, गर्ल्स का परसेंटेज। तो गर्ल्स का परसेंटेज कैसे निकलेगा हमारा यहाँ पे समझो, एक सेकंड, गर्ल्स का परसेंटेज यहाँ पे कैसे निकलेगा। गर्ल्स है कितना अभी मेरा, 8 × 6 है, आउट ऑफ कितना, 10% का ही ना, तो आउट ऑफ लिख दिया 10%, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालना है, किसके साथ निकालना है, कंप्यूटर साइंस वाले बॉयज और इंग्लिश वाले बॉयज के साथ। तो कंप्यूटर साइंस में जो बॉयज है वो है 9 × 15 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 20%, ठीक है। इंग्लिश में जो है बॉयज वो है कितना, 11 × 5 आउट ऑफ कितना, 12%, और गुने में कितना है, 100। देखो इस सवाल में क्या मैंने 46500 का कहीं पे भी यूज किया है क्या, ठीक है, इस पर्टिकुलर सवाल में मैं बात करूं तो मैंने क्या 46500 को कहीं पे भी यूज किया, कहीं नहीं यूज किया। अब जस्ट तुम्हें काटना है, ठीक है, काट लो, 5 से काटोगे तो 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 5 से ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार, ठीक है। अब तुम देख लो यहाँ से, तुम 4 से काट लो, ठीक है, 4 से भी तुम काटोगे तो 4 से ये कटेगा 2 बार में, फिर 4 से ये कटेगा 5 बार में, और 4 से ये कटेगा 3 बार, ठीक है। और भी हम लोग काट सकते हैं, कैसे काटेंगे हम लोग यहाँ पे, 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे, ये कटेगा 3 से 2 बार में, और ये भी 3 से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में क्या बच गया, 8 बच गया, और नीचे में देखो 9 × 5 = 45 और 11, 45 और 11 जब तुम ऐड करोगे तो कितना दे देगा तुम्हारा, 56 दे देगा। इधर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो क्या है, मैं लिख रहा हूँ 8 था हमारा और नीचे में आ गया हमारा 56 और गुने में कितना, 100, ठीक है। हमारे पास क्या क्या था, 8 था और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 56 और नीचे में क्या हो गया हमारा, 100 हो गया। 8 से 56 काटोगे तो कितना बार में, 7 बार में, 1/7 तुम्हें परसेंटेज में हमेशा रटने को बताया गया था कि 14.28% होता है, और 14.28% को ही हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14.3% लिखेंगे, जो कि कौन सा ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारा आंसर। जस्ट हम लोगों ने क्या किया, रेशियो को बैलेंस किया, टोटल बैलेंस किया, और उसके बाद हमारा जो है सारा कार्यक्रम जो है वो एक ही तरह से चलता चला। बस सिंपली इसी चीज को समझना है तुम्हें। अब यही सवाल बहुत तरीके से आ सकता है, देखो मैं एक टाइप बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइप के लिए प्रिपेयर रहना। यही सवाल बॉयज प्लस गर्ल्स भी रह सकता है, यही सवाल तुम्हारा गर्ल्स प्लस टोटल भी रह सकता है, जिस भी तरीके से रहे, बस टोटल को बैलेंस करो, कहानी खत्म, ऑटोमेटिकली कहानी खत्म, ठीक है। जिस पे तोड़ने के लिए बोला उसको अटैच करते चले जाओ, सारा इक्वेशन जो है चुटकियों में सॉल्व होता चला जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखो क्या क्या बोल रहा है अगले सवाल में। इफ 1/5 ऑफ द बॉयज, 1/5 जो है बॉयज का स्टडिंग इन एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में प्लान टू गो अब्रॉड, ठीक है, विदेश जाने का प्लान करते हैं फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बॉयज, बॉयज का रेशियो क्या होगा, हु डिसाइडेड टू स्टे बैक, ठीक है, स्टे बैक करना चाहते हैं, रेशियो पूछ रहा है, मतलब हर ब्रांच से 1/5 लड़का जो है वो विदेश चल जाता है पढ़ने के लिए, मतलब बचा कितना, 4/5 स्टे बैक, मतलब क्या बचा हुआ ना, तो बचा कितना, 4/5। अब इसका रेशियो निकालना है, वो कितना हमारा बेवकूफ बना रहा है सवाल में, कितना आसान सा सवाल है, हमें रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, वह बच्चों का जो इंडिया में रुके हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए और मैथमेटिक्स पढ़ने, ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने के लिए वो कहाँ रुके हुए हैं, इंडिया में रुके हुए हैं। अच्छा मैं अगर बोलूँ कि केमिस्ट्री पढ़ने वालों की संख्या सी है और मैथ पढ़ने वालों की संख्या एम है, लड़कों की संख्या, ठीक है, तो इसका 4/5 बच रहा है और इसका क्या बच रहा है, एम का भी 4/5 रह रहा है, तो इस 4/5 का कोई रोल रह गया क्या, इसका तो कोई रोल ही नहीं रह गया, रह गया क्या हमारा सी और एम का रेशियो निकालना है, जस्ट हमें यही निकालना है ना। तो अब सिंपल सा हमें क्या निकालना है, केमिस्ट्री और मैथ का रेशियो निकालना है। तो चलो केमिस्ट्री और मैथ में हम लोग, केमिस्ट्री में अगर तुम देखोगे तो केमिस्ट्री में है 3:5 में है टोटल, ठीक है, और मैथ में देखोगे तो मैथ में है 18:31। अब बोलोगे अब तो बैलेंस नहीं होगा,
ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं बैलेंस होता है कि नहीं होता है। केमिस्ट्री आउट ऑफ 15% पे टूटेगा और मैथ आउट ऑफ 35% पे टूटेगा, ठीक है। अच्छा, बैलेंस करने के लिए क्या मैं इसे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ 31 और 5 से? हो गया बैलेंस, खत्म हो गया सवाल। अब मुझे क्या चाहिए? रेशियो चाहिए ना। क्या चीज का मैंने बताया कि जितने पढ़ रहे हैं तुम उनका भी रेशियो निकाल दोगे तो भी वही चीज आएगा जो तुम्हें पूछ रखा है सवाल में, कि जो रह रहे हैं इंडिया में उनका, क्योंकि हर एक में 1/5 जो है वह रह जा रहा है, ठीक है। 1/5 रह रहा है तो 1/5 चला जा रहा है तो 4/5 क्या हो रहा है? रह जा रहा है हमारा, ठीक है। तो केमिस्ट्री के केस में तुम देखो, मैंने कैसे बताया था यहाँ पे कि 15% पे ही टूटेगा, कौन टूटेगा? 3×31 हो गया, ये केमिस्ट्री का रेशियो हो गया। अब यहां से फिर मैथ का निकालोगे तो 35×, बॉयज के लिए है 18×5, बाकी काटने छाटने में तो तुम एक्सपर्ट हो ही, 3 से काट दो यहाँ पे 5 बार में और 3 से काट दो तुम यहाँ पे 6 बार, ठीक है। 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 3 से ये 2 खत्म हो जाएगा। क्या मिल गया हमारा? 31:70 मिल गया। कौन सा सवाल का आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर बी का है, 31:70, खत्म हो गया ना। अभी फिर मैं दिखाऊं तो तुम्हें देखो रेशियो पूछा था, मैंने इसका कहीं पे भी यूज नहीं किया, वेस्ट है, ठीक है। लेकिन हर एक डीआई में एक सवाल ऐसा होगा जहां पे तुम्हें इसकी यूज करनी होगी, जहां पे तुम्हें डेटा निकालना, यही 3 चीज पूछ सकता है ना, या तो परसेंटेज, या तो रेशियो, या फिर कोई डेटा निकालने बोले, बस इतना ही पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। चीजों को आसान बनाना है तो परसेंटेज और रेशियो में माहिर हासिल करना, ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखो, बैलेंसिंग बस खत्म, ठीक है। चलो अगला सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या। व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ गर्ल्स क्वालिफाइंग इन द इंग्लिश, जीके एंड केमिस्ट्री? अप्रोक्सीमेट रेशियो बोल रहा है, किसका किसका बोल रहा है? थोड़ा सा गर्ल्स का ध्यान में रखना, गर्ल्स का बोल रहा है, ठीक है। किस किस सब्जेक्ट में बोल रहा है? इंग्लिश में बोल रहा है, जीके में बोल रहा है और केमिस्ट्री में बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में अगर रेशियो 11:30 में बॉयज और टोटल है तो मैं गर्ल्स और टोटल को क्या 19:30 लिख सकता हूँ? 30 में 11 चला गया तो 19, टोटल में बॉयज घटा दूंगा तो आ जाएगा ना। तो हम लोग अब डायरेक्ट लड़कियों का लिखेंगे क्योंकि लड़की का पर्टिकुलर हमें निकालना है। अब हमें आगे के सवाल में अगर कुछ ऐसा आता है कि लड़का का पूछ रहा है, लड़की का पूछ रहा है, तो हम लोग उसी तरीके से रेशियो को पहले से लिख लेंगे। तो इंग्लिश के लिए हम लिख देते हैं गर्ल्स और टोटल का रेशियो जो है वो है कितना? 19:30। जीके के लिए हम लोग बात करते हैं, जीके 4:5 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1:5। केमिस्ट्री का बात करते हैं, केमिस्ट्री 3:5 है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 2:5। अब इस टोटल को बैलेंस करने के लिए क्या है? इसको भी 6 से गुना, इसको भी 6 से गुना, इसको भी 6 से गुना, इसको भी 6 से गुना। मुझे ये वाला पार्ट बैलेंस करना है, इस तरफ वाला पार्ट। अगर इधर 6 मल्टीप्लाई हो तो इधर भी 6 मल्टीप्लाई हो। अब देख लो इंग्लिश टूटेगा कितना पे? इंग्लिश टूटेगा 12% पे, जीके टूटेगा 8% पे और केमिस्ट्री टूटेगा 15%। तुम्हें इसी का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? गर्ल्स का। यानी यहाँ पे 12×19 है तुम्हारा गर्ल्स, ठीक है, इंग्लिश में 8×6×1 कितना? 6, तो 8×6 है यहाँ पे जीके के लिए। केमिस्ट्री के लिए आ जाओ, 15 और 6 दुना कितना? 12, तो 15×1 में क्या है हमारा यहाँ पे? 12, ठीक है। अब चाहो तो काट लो, हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, यहाँ से 12 और 6 यहाँ 2 से काटोगे तो ये 4 बार में कट गया, हो गया 19:4:15 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 19:40। एक बार कोशिश करना इसको बेसिक से बनाने का, मन भी नहीं करेगा और अच्छा भी नहीं, ठीक है। क्यों मैं करूं जब मुझे आसान सा रास्ता मिल रहा है तो मैं आसान से रास्ते को पकड़ के आगे निकल जाता हूं ना, क्यों मैं करूं इतना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझना और चीजों को इसी तरीके से बैलेंस करके चलना, चाहे वो जिस टाइप का भी डी आई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या क्या बोल रहा है अगला सवाल में हमारा। इफ 1/4 ऑफ द गर्ल्स क्वालिफाइंग इन फिजिक्स, फिर से अगेन सवाल, लड़कियों की 1/4 संख्या, ठीक है, फिजिक्स में जो क्वालिफाई कर रही है विल प्लान टू गो अब्रॉड, ठीक है, 1/4 अब्रॉड चले जाते हैं, ठीक है, फॉर हायर स्टडीज, देन हाउ मेनी गर्ल्स डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंडिया टू स्टडी फिजिक्स? कितनी लड़कियां रह जाती हैं इंडिया में ही फिजिक्स पढ़ने के? देखो एक ही सब्जेक्ट की बात की है और मुझे नेट क्वांटिटी निकालना है, तो इसमें हम लोग ज्यादा रिसर्च करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे रिसर्च? क्योंकि हमें यहाँ पे बैलेंस करूं तो मैं करूं किसे, जब एक ही सब्जेक्ट की बात की है तो,
ठीक है, जब एक ही सब्जेक्ट की बात की है तो यहाँ पे मैं बैलेंस करूँ तो करूँ किससे फिर, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चलेंगे, जब 1/4 चले जाते हैं तो बचा कितना हमारे पास 3/4, फिजिक्स में पढ़ रहे लड़कियों का ही ना, तो फिजिक्स में पढ़ रहे लड़कियां कितना है देखो 46500 हमारा टोटल है, टोटल में फिजिक्स 10% है, 10% 1/10, और लड़कियों का पार्ट पूछा है तो लड़कियां देखो 17:25 में है बॉयज टोटल और टोटल का, तो लड़कियों का क्या हो जाएगा 5 × 3 = 8 और बटे में कितना 25, अगर 25 से काटोगे ये दो जीरो को तो ये दो जीरो तुम्हें 4 दे देगा यहाँ पे, और ये 4 और 4 से ये भी खत्म, 5 से काट दो इसे 2 बार में, 5 से इसे 9 बार में तुम काटोगे और 15 फिर 3 बार में काटा, ठीक है 2 से काट दो यहाँ पे 4 बार में, तुम्हारे पास फाइनली क्या बच गया 93 × 12, 12 × 36 का 6 3 हाथ में, 12 × 9 108 108 और 3 कितना हो जाता है 111, ऑप्शन नंबर डी में हमें ये मिल जाएगा 1100 खत्म। देखो ज्यादा रिसर्च भी करोगे तो वो भी हानिकारक है, जहां रिसर्च करना है वहां करो, जहां नहीं करना है वहां मत करो। इस सवाल में मैं क्या रिसर्च करूँ, सिंपल सा वन लाइन स्टेटमेंट है, लिखो डाटा लिखते जाओ, काटते छाटते जाओ, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन जिस सवाल में रिसर्च हो सकता है उस सवाल में तो हम लोग कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ हम लोग अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल। अच्छा इस सवाल में मैंने हिंदी डालना लगता है, मैं भूल गया हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, आसान सा सवाल है। देखो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स क्वालिफाइड इन इंग्लिश एंड जीके टुगेदर, गर्ल्स का इंग्लिश में गर्ल्स, जीके में भी गर्ल्स का रेशियो निकालना है क्वालिफाइड का, किसके साथ, कंप्यूटर साइंस में बॉयज के साथ, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में देखो तो 11:30 में है, तो गर्ल्स का क्या हो जाएगा हमारा 19:30, मैंने थर्ड नंबर सवाल में बताया था कि जिसका जैसे जैसे बोलेगा मुझे ये वाला पिक करना है, ये वाला बैलेंस करना है, ठीक है ध्यान रहे। फिर जीके में हम लोग आते हैं, जीके में है 4:5 में, ठीक है, तो जीके में मुझे क्या चाहिए, गर्ल्स का चाहिए, एक सेकंड यहाँ पे मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, ये गर्ल्स का चाहिए मुझे, तो गर्ल्स के लिए मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि 4 टोटल बॉयज है और 5 टोटल है, तो 5 × 4 चला गया तो 1 हो गया हमारा। कंप्यूटर साइंस में मुझे बॉयज ही चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 × 10, ठीक है, मुझे इन दोनों का इसके साथ अलग का रेशियो चाहिए, तो इंग्लिश का टोटल कितना 12%, जीके का टोटल कितना 8%, कंप्यूटर साइंस का टोटल कितना 20%, ठीक है कंप्यूटर साइंस का कितना हो गया टोटल 20% हो गया। अब चलो थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से, अगर इधर हुआ है तो इधर भी होगा, इधर हुआ है तो इधर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, इंग्लिश में अगर गर्ल्स की बात करें तो 12 × 19, चूंकि वहां पे कुछ नहीं करना था, और जीके में बात करें तो ये हो जाएगा 8 × 6। देखो मल्टीप्लाई मत कर देना, मैं एक चीज हमेशा बताता हूँ, मल्टीप्लाई वगैरह जो है वो एकदम लास्ट में ले जाकर करो कि जब तुम्हारा कटने छटने का कोई उपाय ना बचे, ठीक है सिंपल सा ये ध्यान रखो। प्लस नहीं, यहाँ पे रेशियो होगा, ठीक है यहाँ पे क्या होगा, रेशियो होगा, किसके साथ निकालना है मुझे 20% का 9 × 3 के साथ, दैट्स इट, हो गया खत्म। अब चलो काटना छटना शुरू करते हैं, ठीक है 4 से काटते हैं हम लोग, या 12 कट जाएगा क्या हमारा, हाँ कट जाएगा 12, ठीक है 12 यहाँ से खत्म, 12 से जब काटेंगे तो 6 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 4, और फिर 4 और 3 है तो 4 से इसे काट देंगे 5 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 3 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपली क्या बच गया तुम्हारा, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 19 4 कितना हो गया 23, ठीक है रेशियो 9 × 5 कितना हो गया 45, हो गया आंसर 23 × 45 ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो चीजों को ध्यान से समझो, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है, आसानी से बनाया जा सकता है कुछ ग्राफ्स, और कुछ ग्राफ्स को बहुत ही कॉम्प्लिकेट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप रहेगा या जितना भी रहेगा हम लोग इसी तरीके से डील करेंगे, एक एक बेस्ट ट्रिक को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जहाँ तक पहुँच चुके हो, जहाँ तक रुके हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा लो ताकि अपलोड हुआ वीडियो तुम्हें सबसे पहले मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।